tuning into my Bollywood body. मैं आपका host Sunny. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा देसी बॉडी बिल्डर्स डाइट प्लान. That being said, a weight gain diet plan. मुझे काफी सारे लोगों की emails, questions, comments. Matter of fact, पिछली जो हमने एक दो वीक पहले आपके साथ videos different शेयर की थी diet plan की, देसी fat loss diet plan और vegetarian diet plan. So, काफी मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, इवन कुड़िया ने भी कहा कि सानू दस्यो जी बॉडी बिल्डिंग बारे दस्यो, या सानू दस्यो कि असीं वेट गेन करना चाहते पर देसी तरीके का कोई देसी जुगाड़ कढ़ियो जिस गंद बला ज्यादा ना पाए, सिंपल घरों वाले जो फूड हो उनके साथ हम अपना वेट गेन कैसा कर सकते हैं, बाय ऑब्वियसली बाय गोइंग टू द जिम. सो बिफोर आई गेट इनटू यू नो कि मैं आपको डिटेल से समझाऊं कि मैंने पीछे भंबड़ पूजा की बनाया बोर्ड के उत्ते की मैं जुगाड़ सिटिया होया, उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, मेक श्योर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई वीडियो आप शेयर करें उसका पैगाम आप तक पहुंचे. ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर के करीब हमारे सब्सक्राइबर हैं और लोग कहते हैं यार हमें नोटिफिकेशन नहीं आती. वन ऑफ द मेन रीजन आपको नोटिफिकेशन नहीं आती क्योंकि आपने गूगल की टल्ली नहीं दबाई हुई. आप इतनी टल्ली दबाएं गूगल की, एक बार गूगल को भी पता लग जाए कि यार देसी बंदा पिंड च रहा है, ये पंगा ना लाओ, एक बार यदि टल्ली दब गई दैट मीनस इन नोटिफिकेशन इन खत भेज दिया करो. लेट्स गेट इन टू योर टॉपिक. अगेन आज मैं आपके साथ वेट गेन का डाइट प्लान शेयर कर रहा हूं. आपको ये अंडरस्टैंड करना है जब भी आप वेट गेन के बारे में या किसी वेट लॉस के बारे में बात करते हैं कि खाली डाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता. लोगों को देखें जो बंदे बड़े पतले हैं वो जितना मर्जी उन्हें खिला लो लेकिन उनका वेट गेन नहीं होता. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 10-15 साल का पर्सनल ट्रेनिंग का. अक्सर एक खुद भी हम पर्सनल ट्रेनर, मेरा अपना जिम है इधर कनाडा के अंदर टोरंटो शहर के अंदर, वहां पे हमने ये देखा है पिछले 10-15 साल के अंदर जो मैंने अपनी यू नो ड्रामेबाजी जिम के अंदर की है, लोगों की हेल्प की है वेट गेन करने में, वेट लूज करने में, यानी बॉडी बिल्डिंग में या स्टेज पे कम्पीट कराने में, कि खाली खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जितनी अच्छी से अच्छी खुराक खा लें, अच्छी से अच्छी डाइट खा लें, आपको फर्क नहीं पड़ेगा. खाली वर्कआउट से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों दे गो हैंड इन हैंड इन अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी वर्क्स. सो मैं आपको डाइट के बारे में चलो मैं बताता हूं, हाँ जी ये खाना ये नहीं खाना, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप जितना मर्जी खा लो आपका वेट गेन नहीं होगा अगर आप वर्कआउट नहीं करते. सो वर्कआउट अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने अभी तक वर्कआउट जिम नहीं शुरू किया, आई रेकमेंड हमारी बिग बॉडी बिल्डिंग फॉर बिगिनर्स सीरीज है, 25 दिन की सीरीज है, वो स्टार्ट करें. जब आप वो करके फिनिश कर लेते हैं फिर इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर चले जाएं, इंटरमीडिएट लेवल फिनिश करते हैं तो एडवांस लेवल के ऊपर चले जाएं. इस तरह बेतहाशा हम आगे भी आपके साथ फ्यूचर में वीडियो शेयर करते रहेंगे. सो मेक श्योर आप वेट ट्रेनिंग के ऊपर जोर दें और उसके साथ प्रॉपर डाइट को फॉलो करें. अगर आप वेट ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे, आप खाली वॉक करने जाते हैं, इट्स नॉट गोना यू नो हेल्प यू मच, बिकॉज द आइडिया ऑफ गेनिंग वेट इज कि आप जब वर्कआउट करते हैं आप अपने मसल्स के जो फाइबर हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं उन्हें तोड़ते हैं, उसके जब आप बाद उसको प्रॉपर नरिशमेंट प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं उससे मसल ग्रो होता है. यू हैव टू फीड योर बॉडी फाइबर, यू हैव टू फीड योर बॉडी कार्ब्स, शुगर, फैट, प्रोटीन, सारी चीज इन अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी आपका वेट गेन कराती है. आज मैंने जो आपके साथ डाइट प्लान शेयर किया, मेरे चैनल के ऊपर 3-4 हमने पहले भी डाइट प्लान शेयर किए हुए, लेकिन आज जो मैंने आपके साथ डाइट प्लान शेयर किया आई कॉल इट अ देसी डाइट प्लान, क्योंकि देसी डाइट प्लान के अंदर मैं कोई टर्की नहीं डाल रहा, कोई सैमन नहीं डाल रहा, कोई फिश नहीं डाल रहा, कोई टिलापिया नहीं डाल रहा, कोई कॉड नहीं डाल रहा, कोई स्नैपर नहीं डाल रहा, कोई फ्लाउंडर नहीं डाल रहा, कोई टूना नहीं डाल रहा. मैं सारा दिन आपको इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के मैं आपको नाम गिना सकता हूं, बट आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल कि आम घरों में जो चावल हैं, जो राइस हैं, जो दाल है, जो चिकन है, जो सैलड है, जो आम घरों में चीजें होती हैं उसको खा के एक अपना देसी शरीर प्रॉपर वर्कआउट के साथ आप कैसे तैयार कर सकते हैं. इसके अंदर मैंने सबसे पहले जो आपका ब्रेकफास्ट बनाया है उसके अंदर पहले मैं क्विकली कवर अप करता हूं फिर मैं बताऊंगा टोटल कितनी कैलोरीज एंड व्हाट नॉट. इसके अंदर जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट दिया है, मैं चाहता हूं एक कप ओटमील लें, जो कच्चे ओट्स हैं उसको मेजर करें, एक कप कच्चे ओट साथ में एक ग्लास मिल्क. सो एक कप कच्चे ओट, एक ग्लास मिल्क, साथ में आपको आधा एक ग्लास या एक ग्लास पानी भी डालना पड़ेगा क्योंकि खाली आप बना नहीं सकते इस तरह, एक ग्लास मिल्क इतना ज्यादा नहीं है. तो एक कप जो है घरों में सादे जो कप होते हैं 150-200 ग्राम के कप होते हैं, एक कप आपने ओट्स लिए डाला, एक ग्लास पानी डाला, एक ग्लास दूध डाला, उससे आप अपना ओटमील तैयार करें. साथ में तीन फुल एग्स मीन्स आप उसका ऑमलेट बना सकते हैं फेंट के या उसको उबाल के खा सकते हैं, भावे कच्चे खाने कच्चे सर्दी समेत खा लें, बट 3 फुल एग्स साथ में 1 बनाना. सो अब आपका क्या हुआ, आपका ओटमील दूध के साथ बन गया, 3 अंडों के लच्छे ऑमलेट बना लिया और एक आपका फल आ गया विच इज योर बनाना. मूविंग ऑन टू अब आपका, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले ब्रेकफास्ट दिया है उसके बाद एक स्नैक दे रहा हूं, फिर लंच दे रहा हूं, फिर स्नैक दे रहा हूं, फिर डिनर दे रहा हूं, फिर स्नैक दे रहा हूं. तो मैं पहले ये कवर करके फिर इसको नैरो डाउन करूंगा कि इसके किस फूड को लेने में क्या फायदा है. मूविंग ऑन टू योर स्नैक नंबर 1, अब जो लंच के बाद का जो पहला स्नैक है उसमें मैंने आपको 200 ग्राम दही दिया है. हर घर में योगर्ट या कर्ड मिल जाता है आपको, जो दूध को फाड़ के दही बनता है, बाहर से ले सकते हैं तो बाहर से ले लें, घर पे घर का बना हुआ दही है तो घर का बना हुआ दही ले लें. 200 ग्राम योगर्ट,
साथ में 20 almonds, which is बादाम. So 200 ग्राम, हर चीज को ग्राम्स में मेजर करें. अगर आप चाहते हैं आप अपनी अच्छी बॉडी बनाएं, आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा शरीर हो, आपके एब्स हो, आपके मसल हो, आपकी नाड़ें निकली हो, अभी से अगर आप बिगिनर हैं, अभी से अपनी आदत बना लें हर चीज को मेजर करके तोल के खाने की. बिकॉज एज यू चलो आपने 40-50 पाउंड वजन या 20-25 किलो जब वजन गेन कर लिया, आपकी शरीर बन गया, फिर आप कहते हैं मैं स्टैटिक लुकना चाहता हूं, मेरी नाड़ें आए, वहां पे आपको प्रॉब्लम पड़ेगी अगर आपकी आदत नहीं है ना मेजर करके खाने की. क्योंकि एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन आपको कितनी जो आपके मैक्रो काउंट्स है, आपको कितनी प्रोटीन, कितने कार्बन, कितने फैट चाहिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेजर करके खाएं. वो आपको बड़ी सस्ती 300-400 रुपए की स्केल मिल जाएगी, उसे फूड स्केल कहते हैं, मोस्टली घरों में होती भी है. 200 ग्राम दही कर्ड, साथ में 20 एलिमेंट्स, ये अब आपका एक स्नैक हो गया. अब आ गया आपके लंच की बारी. जब दोपहर का खाना है, दोपहर के खाने के अंदर 200 ग्राम कुक्ड राइस, सो सफेद राइस जो है, नॉट ब्राउन राइस, सफेद राइस 200 ग्राम कुक्ड राइस. सो कुक किए हुए जो राइस है आपने जो उबाले होते हैं, उसके बाद उसको 200 ग्राम कुक मेजर करें. 200 ग्राम राइस, 200 ग्राम पोटेटो, सादा पोटेटो, नॉट स्वीट पोटेटो, सिंपल जो सादे आलू होते हैं वो 200 ग्राम बने हुए उबाल के खा लें, मैश करके खा लें, बेक करके खा लें. साथ में 200 ग्राम चिकन. सो अगर तो आपके घर में लच्छे हमारी वीडियो जो है इंडिया पाकिस्तान के अलावा बाहर की कंट्रीज में भी लोग देखते हैं, कहते हैं यार सनी भाई हमें चिकन नहीं खाना. अगर चिकन नहीं खाना, सो यू कैन हैव एनी वाइट फिश. सो वाइट चिकन मींस चिकन ब्रेस्ट. आपने चिकन की थाई वगैरह नहीं लेनी बिकॉज़ देयर इज मोर फैट. सो यू कैन गो फॉर आइदर चिकन ब्रेस्ट या आप ले सकते हैं कोई भी वाइट फिश, विच कैन बी योर टलापिया, विच कैन बी योर बासा, विच कैन बी योर कॉड, विच कैन बी योर फ्लाउंडर, विच कैन बी योर स्नैपर. सो मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं अगर आप देसी डाइट की स्टिक करना चाहते हैं, हैव चिकन. चिकन जो है वो बेक कर लें, उबाल लें, बारबेक्यू कर लें, या थोड़ा बहुत मसाला मैरिनेट करके. अब आप कहते हैं सनी भाई मैं डेली चिकन कैसे खाऊं, मेरे भाई उसकी मैरिनेशन चेंज कर लो, उसकी फ्लेवरिंग चेंज कर लो. एक दिन नींबू डालते हो तो दूसरे दिन सिरका डालो, एक एग्जांपल है. उसकी फ्लेवरिंग चेंज करोगे तो एवरी डे उसका डिफरेंट जायका और उसका टेस्ट निकल आएगा. 200 ग्राम राइस, सफेद राइस, 200 ग्राम बेक पोटेटो, 200 ग्राम चिकन, 1 कप ब्रोकली. आप कहते हो यार मैं पिंड में रहता हूं ब्रोकली नहीं मिलती, कोई भी 1 कप वेजिटेबल्स ले लो. आपको मटर मिलते हैं मटर ले लो, आपको खीरा मिलता है खीरा ले लो, आपको स्पिनच मिलती है स्पिनच ले लो, आपको कैप्सिकम मिलते हैं कैप्सिकम ले लो, कोई भी ग्रीन्स. मूविंग ऑन, एक फल साथ में रखो, सीजनल फल जो है एप्पल आपको हर सीजन में नॉर्मली मिल जाता है. सो आई नॉर्मली इंडोर्स गो, यू नो एक इंग्लिश की कहावत भी है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. सो एप्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसके न्यूट्रिएंट एस्पेक्ट जो है वो बाद में आपसे शेयर करूंगा. एक आपका सेब भी आ गया. मूविंग ऑन टू दोबारा आपके स्नैक, स्नैक के ऊपर मैंने किया पहले आप देखें ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, फिर स्नैक. 2 स्लाइस होल व्हीट ब्रेड के. अगर आप कहते हैं यार सनी भाई मुझे होल व्हीट ब्रेड नहीं मिलती, आप ऐसा करो एक होल व्हीट रोटी बना लो 8-10 इंच की. लेकिन नॉर्मली आपको हर जगह पे होल ग्रेन या होल व्हीट या 12 ग्रेन ब्रेड आराम से मिल जाती है. एनीथिंग ब्राउन, जस्ट पुट इट दिस वे, एनीथिंग ब्राउन. अगर तो ब्रेड नहीं मिलती है और अफोर्ड नहीं कर सकते, होल व्हीट आटे की रोटी बनाओ, 8-10 इंच की रोटी बनाओ. उसके ऊपर 1 टेबलस्पून पीनट बटर या आलमंड बटर लगाओ. पीनट बटर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, अगर पीनट बटर नहीं मिलता तो आलमंड बटर ले लो. उसकी क्या अहमियत है मैं आपको बाद में समझाऊंगा. साथ में 1 बनाना. सो अब आपका स्नैक आ गया, 2 स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट ब्रेड या 8-10 इंच की होल व्हीट रोटी, 1 टेबलस्पून उसके ऊपर लेप दो आलमंड बटर या पीनट बटर, साथ में 1 बनाना. मूविंग ऑन टू योर डिनर. अब आपके डिनर के अंदर 150 ग्राम राइस, पहले हमने 200 दिए थे, अब 150 ग्राम कर दिए. बिकॉज एज यू गो क्लोजर टू योर स्पीड, इवन दो यू वॉन्ट टू गेट बिग, आप ये नहीं चाहते कि आपका, ऑब्वियसली आप बड़े होंगे तो आपका टेट भी बड़ा होगा, पर आप ये नहीं चाहते कि पहले आपके गोगड़ पार्ट की इतनी बड़ी हो जाए और यू नो बाकी बॉडी को फर्क ना पड़े. सो क्लोजर टू द डिनर हम आहिस्ते आहिस्ते आपके कार्ब्स कम करना शुरू कर रहे हैं. आपने 150 ग्राम व्हाइट राइस, 100 ग्राम पोटेटो लंच में, 200 ग्राम राइस थे, 100 ग्राम पोटेटो थे, रात को 150 ग्राम राइस किए, 100 ग्राम पोटेटो, 1 कप दाल. अब दाल घर में कोई भी आप देख लो, माँ की दाल है या मूंगी की दाल है, मूंगी की छिलकों वाली दाल है, मसरा की दाल है, राजमा है, काले बीन्स है, कोई भी बीन्स या दाल 1 कप जब घर में बने हुए हैं उसी तरह मम्मी बनाती है, वाइफ बनाती है, बहन बनाती है, उसे को यार जब आप दाल बना रहे हो उसके ऊपर तड़का काम लगाओ मेरे लिए, तड़के से पहले ही 1 कप दाल अपनी निकाल लो. 1 कप मीन्स 1 कोली जो है वो निकाल के साइड पे कर लो. सो आपने 150 ग्राम राइस, 100 ग्राम पोटेटोस, 1 कप दाल और 1 कप क्यूकम्बर्स. इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्यूकम्बर्स और ऐसी वेजिटेबल्स इन योर डाइट जिनकी जो दे आर कोल्ड ऑन योर बॉडी, जिनका इफेक्ट ठंडा हो. स्पेशली समर के महीनों में अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो आपको पिंपल्स बहुत निकल आएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ठंडी सब्जियां, ठंडे फल इन योर बॉडी एज वेल. देन स्नैक नंबर 3. सो आपके क्या हुआ, ब्रेकफास्ट स्नैक 1, लंच स्नैक 2, स्नैक टू डिनर एंड देन स्नैक 3. जो स्नैक नंबर 3 है वो सोने से आधा घंटा पहले आई नॉर्मली रेकमेंड 1-1.5 स्कूप प्रोटीन शेक.
लोग कहते हैं जी केजिन प्रोटीन लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, जस्ट गो विद एनी प्रोटीन जो आपके घर पे अवेलेबल है। वे आइसोलेट है, आई नॉर्मली रेकमेंड वे आइसोलेट प्रोटीन शेक। सो डजंट मैटर आप सुबह लेते हो, दोपहर को लेते हो, शाम को लेते हो, बट एज पर माय डाइट प्लान स्टिक टू इट, यू नो, बिकॉज बाय द बुक तो स्लो डाइजेस्टिंग आपको चीजें चाहिए ऐसी जो आपकी बॉडी में ज्यादा रहे। केसिन प्रोटीन इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आपको मिलेगा नहीं। जो दैट्स व्हाई जो वे आइसोलेट है उसी को सारा दिन सुबह दोपहर शाम आप यूज कर सकते हो। स्नैक नंबर 3, सोने से आधा घंटा पहले एक या डेढ़, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, 1 से 1.5 स्कूप प्रोटीन शेक पानी के साथ। ये अब आपका ओवरऑल डाइट प्लान बनता है। अब इसके अंदर क्या है, जब आपने जब भी वर्कआउट कर रहे हो, हमारी बॉडी बिल्डिंग सीरीज फॉलो कर रहे हो या किसी और चैनल की बॉडी बिल्डिंग सीरीज फॉलो कर रहे हो, जब भी आपने वर्कआउट करना है उसके विदिन 30 मिनट्स, तो अगर आपने 4 बजे वर्कआउट फिनिश किया तो 4 से 4:30 के बीच में एक स्कूप प्रोटीन आपने पीना है। मेक श्योर के 4 से जब भी वर्कआउट फिनिश करे उसके आधे घंटे के अंदर अंदर, टू मेक श्योर कि आपके मसल रिकवर हो जाए, ड्रिंक 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन शेक। एक स्कूप के अंदर ऑन एन एवरेज 21 से 27 ग्राम प्रोटीन है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा ब्रांड का प्रोटीन यूज करते हो। वर्कआउट करते हुए ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, लेकिन अगर आप नए हो, आई नॉर्मली रेकमेंड मेकिंग लेमनेड। सो जो नींबू होता है, नींबू पानी, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा स्वीटनर, शुगर नहीं डालनी, कैंड्रल डालो, स्टीविया डालो, एस्पर्टेम, कोई नॉर्मली स्वीटनर डालो। अब मैं केमिकल्स के अंदर जाऊंगा, लोग कहेंगे भाई जी आप केमिकल्स इंडोर्स कर रहे हो, सो हैव एनी स्वीटनर, सो ताकि उसका टेस्ट जो है वो लेमनेड का जो है वो आपको शिकंज भी जैसा उसका टेस्ट लगे, और वो आप ताकि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिप्लीट ना हो बॉडी से, आपको चक्कर ना आए। दैट्स व्हाई आई रेकमेंड eventually, you know, as you grow into it, कि आपको 6-8 महीने 10 महीने हो गए वर्कआउट करते हुए, then you can replace your lemonade with branched chain amino acids, जो BCA है muscle repair के लिए, but as a beginner, this is perfect, just have lemonade. Now, in a nutshell, हमने अभी क्या बात की, मैंने आपको सबसे पहले oatmeal दिए, which is slow digesting carbs, साथ में मैंने दूध दिया, very, उसको एक तो number one taste बनाने के लिए, number two, a good source of protein and fat, साथ में मैंने 3 अंडे दिए, which is again your source of omega-3s, your fat, and your source of protein. साथ में बनाना दिया, बनाना is a good source of carbs and potassium. What होगा क्या, जब overall diet में अब आप workout करना शुरू करोगे, आपने देखा होगा आपके muscle फड़कने लग जाते, it's a lack of potassium, it's a lack of electrolytes in the body. So it's very important to understand कि आपकी जो diet है has to be balanced. Balanced diet से याद आया, a lot of people actually ask me, मैं इस तरह की diet plan जब मैं post करता हूँ, people actually ask me, यार सनी भाई, you know, मुझे यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए. I actually happen to offer online coaching as well. If you are looking for an online coach, आप कहते हैं आपको customized diet, customized workouts चाहिए, आप मेरी website पे जाएं, it's called www.mybollywoodbody.com, and वहाँ पे आप fill out करें form, अगर आप चाहते हैं मैं आपको online coaching दूँ, आपका trainer बनूँ, मैं आपको workouts और diets बना के दूँ, make sure आप मेरी website visit करें और वहाँ पे जाके आप sign up करें. एक प्रॉमिस है, आई ट्राई माई वेरी बेस्ट टू रिप्लाई टू एवरी सिंगल पर्सन, लेकिन हम हर बंदे को ट्रेन नहीं करा सकते. वी गेट थाउजेंड्स ऑफ ईमेल रब दी मेयर दे नाल ऑन अ वीकली बेसिस. बंदा मैं एक हूं जो मेरे 1000, 1200, 1500 ऑनलाइन कोचिंग क्लाइंट्स हैं, कोई ना कोई आपका दोस्त यार मित्र होगा, आप उससे पूछ लें. आई एम वेरी डेडिकेटेड टू व्हाट आई डू एंड वेरी डेडिकेटेड टू माई सर्विस. मैं वीक से 2 से 3 निकाल के अपना जिम छोड़ के आपके लिए कोचिंग करता हूं. सो अगेन, पहले ही मैं अपोलोजाइज कर लेता हूं अगर यू नो आप करें सनी भाई मैंने 10 बार फॉर्म फिल किया, आप मुझे जवाब नहीं देते. यार बंदा मैं एक हूं, मेरे जो अगर 10 साथ होते तो मैं सारों को जवाब देता, बट आई ट्राई माई वेरी बेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प कर सकूं, खिदमत कर सकूं. बैक टू द टॉपिक, आपको ब्रेकफास्ट समझ आ गया. ब्रेकफास्ट के बाद जो आपका स्नैक है, दोपहर को मैंने आपको योगर्ट दिया. योगर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज द बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड प्रोबायोटिक, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, आपकी गट हेल्थ. होता क्या है, जब आप वर्कआउट्स वगैरह में जाते हो या ज्यादा डाइट खाना शुरू करते हो, आपने देखा होगा आपको ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, आपको कब्ज शुरू हो जाती है. द रीजन इज जो आपके लिवर के एंजाइम्स हैं वो इंबैलेंस हो जाते हैं. उसके लिए इन ऑर्डर टू फिक्स योर गट यू नीड दैट प्रोबायोटिक, दैट बैक्टीरिया विच यू विल गेट फ्रॉम योर योगर्ट. एलमंड्स ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड गुड फैट्स. मूविंग ऑन, लंच के अंदर व्हाइट राइस सिंपल कार्ब्स, potatoes simple carbs, chicken lean meat again good source of protein, साथ में broccoli source of fiber, साथ में apple full of nutrients. So you need to make sure कि जैसे आप अपने macronutrients जो आपके protein carb and fat को track down करें, आप अपने micronutrients जो आपके जो छोटे छोटे you know vitamin C vitamin K vitamin D vitamin A you know छोटे छोटे different nutrients हैं उनको भी monitor करो. That's why it's very essential to have fiber in your body, essential to have fruits in your body, essential to have lemon in your body. ये सारी चीजें combination में मेरे दोस्त आपकी help करेंगे. Moving on, snack number 2, whole wheat roti या whole wheat bread. Why? Slow digestion carbs again. Moving on, tablespoon of peanut butter या almond butter, your fat and your protein. Banana good source of carb, good source of potassium. Moving on, your dinner,
थोड़ा नीचे गए। पहले आप देखो यहाँ पे हमने ऊपर किया है, लंच में बिल्कुल रूज के ऊपर लेके आए ताकि रंज की आप खाना खाओ, रात को फिर नीचे करना शुरू कर दिया। यू हैव 150 ग्राम राइस विच इज योर सिंपल राइस, सिंपल पोटैटोज विच इज योर सिंपल कार्ब्स, एक कप दाल, दाल इज अगेन यू नो मॉडरेशन में देखा जाए तो प्रोटीन भी है और कार्ब भी है, साथ में क्यूकम्बर, क्यूकम्बर की तासीर ठंडी है। गर्मियों में अगर आप हमारा डाइट प्लान फॉलो करें, क्यूकम्बर इज वेरी एसेंशियल टू हैव इन योर डाइट, आपके शरीर को ठंडा रखेगा। मूविंग ऑन, सोने से पहले एक से डेढ़ स्कूप प्रोटीन शेक टू हेल्प यू रिकवर योर मसल्स ओवरनाइट और जो सारे दिन आपने तोड़े हुए हैं। वर्कआउट के फौरन बाद वन स्कूप ऑफ प्रोटीन अगेन टू हेल्प मसल, जो आपने मसल तोड़े हैं उसको रिकवर कराने के लिए। सो पूरी डाइट के अंदर मैंने दो से ढाई स्कूप आपको प्रोटीन दिए विच यू कैन इजिली अफोर्ड। आप कहते हो यार सनी भाई मैंने प्रोटीन शेक नहीं लेना, आप ये देखो एक स्कूप ऑफ प्रोटीन जो है इट इक्वल्स टू 5 से 6 एग वाइट्स। तो आप कहते हो ना कि मैंने वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक नहीं लेना, 5 से 6 एग वाइट्स ले लो। सोने से पहले प्रोटीन शेक नहीं लेना, 5 से 6 एग वाइट्स ले लो, नॉट फुल एग्स, जस्ट दी एग वाइट्स। पूरी की पूरी डाइट जो है इट्स 3500 to 3800 कैलोरीज, गुड फॉर बिगिनर्स। नॉर्मली अगर मैं अपने जिम में करूं, मैं कभी किसी को 3500 कैलोरी डाइट पे स्टार्ट नहीं करता, मैं 2500-2600 से करता हूं। बट अगेन हम जब यहां ऑनलाइन वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, इट्स जेनेरिक वीडियो, आज भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, 2022 में भी आप ये वीडियो देखेंगे। सो आई गॉट मेक श्योर के ऐसा स्ट्रेटेजिक डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जब भी शेयर करूं, ताकि आप अभी भी देख रहे हो या साल बाद भी देख रहे हो, यू अंडरस्टैंड मेरा क्या। मैं एक पीडीएफ निकाल के आपको दे दूं, आप करते रहो। द होल आइडिया व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, मैं आपके साथ कोई नॉलेज शेयर करता हूं, इज आपके भेजे में बात पड़े, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, द साइंस बिहाइंड इट, द फिजियोलॉजी बिहाइंड इट, द यू नो द आर्ट ऑफ मेकिंग अ डाइट प्लान। इट्स नॉट जस्ट अ कॉपी पेस्टेड डाइट प्लान, हाँ जी पाजी ये कर लो वो कर लो, इट्स मेकिंग श्योर कि जितने हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बिल्ली हैं, जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, जिनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, जो आपके जिम के पार्टनर, योर ब्रदर्स, योर फ्रेंड्स, दे अंडरस्टैंड कि वेट गेन होता कैसे है मसल तोड़ने से और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ। मेक श्योर दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पिए। सर्दियां हैं कि गर्मी है, 8 से 10, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वेट गेन के लिए हाइड्रेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना ना भूले, साथ ही साथ 5 से 6 बारी वीक में वर्कआउट करें और ट्राई टू ट्रेन, अगर आप वेट गेन कर रहे हैं ट्राई टू ट्रेन सिंगल मसल। अगर तो स्प्लिट्स हैं हमारे फॉलो हैं, यस देयर इज अ रीजन हमने वो स्प्लिट्स बनाई हुई है, यू आर अ बिगिनर। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल के ऊपर हैं, ट्राई टू ट्रेन वन मसल अ डे। 8 से 10 ग्लास पानी पीना मत भूलें, 5 से 6 बारी वीक में वर्कआउट करना मत भूलें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्लीप। आप वर्कआउट करते हो मसल टूटता है, उसको डाइट देते हो मसल को रिकवर होता है, लेकिन जब सोते हो नींदो करते हो दैट्स व्हेन योर बॉडी ग्रोज। मेक श्योर ड्रिंक वाटर, मेक श्योर यू रेस्ट अप, मेक श्योर यू वर्कआउट 5 से 6 टाइम्स अ वीक। 3500 to 3800 calorie diet plan, very balanced diet plan, full of protein, lots and lots of fiber, lots of carbs, lots of fat, very essential. इस तरह के diet plan को 5 से 6 week use करके फिर switch करें। हमारे different 2-3 diet plan हैं, उन्हें switch करें। आपने 5-6 week use कर लिया, आप कहते हैं सनी भाई you need a new diet plan, comment के अंदर डालें। I'll try my very best कि मैं दोबारा diet plan इसी तरह का different diet के साथ आपके साथ 3500 to 3800 calories का share करूं। YouTube पे हमें subscribe करना मत भूलें, My Bollywood Body, follow us on Facebook, Instagram and Twitter.